अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी के वेपोरेशन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले वेपोरेशन की डेफिनेशन वेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेपर्स फ्राम अ लिक्विड टू मेक लिक्विड कॉन्सनट्रेटेड ये सिंपल आसान सी डेफिनेशन है आप ये कर सकते हैं आगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज हायर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलमेंट क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होते हैं इसलिए जो है सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा ज़्यादा होता है द डिफ्रेंस बिटवीन दैम कार टम्परेचर डिप्रेशन और ये जो टम्परेचर डिप्रेशन है यह डिजोल्व सबस्टांस जितने ज़्यादा होंगे किसी भी सोल्यूशन के अंदर उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अब एवाप्रेशन इज़ यूज इन केमिकल एंड फूड इंडस्ट्री बेवरेज इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इसके बाद हैंक्विपमेंट जो कि एवापोशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं सबसे पहले है फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर यह आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं इंडस्ट्रीज में यूज होता है लार्ज स्केल पे फॉलिंग फिल्म एपरेटर दिस टाइप ऑफ एवापरेटर इज जनरली मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स चार से आठ मीटर और तेरह से छब्बीस फुट एक मीटर के अंदर तीन फुट होते हैं तो यही तकरीबन बन जाएगा विच आर सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट्स अब द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन यूजिंग दिस टाइप ऑफ एवापोरेटर यानी कि जो भी हम सोल्यूशन इसमें डाल रहे हैं वो यूनिफॉर्मली यानी कि इस ट्यूब के हर जगह पे जाना चाहिए ये ना हो कि एक ही जगह से जा रहा हो इस तरह से ऑपरेशन ठीक तरीके से नहीं होगी द सोल्यूशन एंटर्स एंड गेन गी एज इट फ्लोज डाउनवर्ड हेज़ कॉन्सनट्रेट लिक्विड एंड वेपर्स लीव फ्राम द बॉटम जैसे जैसे नीचे जाएंगे कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड और जो वेपर्स हीट की वजह से जो वेपर्स बनेंगे वो नीचे से जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे अब दिस इवेपोरेटर इज़ यूजली अप्लाइड टू हाईली विस्कस सोल्यूशन सो इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन द केमिकल फूड एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्री ये फाइलिंग फिल्म है आप देख सकते हैं ऊपर से हम किसी भी सोल्यूशन को डालेंगे और इस तरीके से कि इसकी चारों साइडों पर यानी कि पूरे जो है इसको कवर करता हुआ वो नीचे जाए जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड गेन करेगा इसके इर्द गिर्द स्टीम जैकेट्स हैं जो उसको हीट देंगी और नीचे से जो है कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड और वेपर्स रिलीज हो जाएंगे आगे नेचुरल एंड फोस्ट सर्कुलेशन एवेपोरेटर दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट काज बाय द डेंसिटी डिफरेंस अराइज फ्रॉम हीटिंग यानी कि जैसे हम इनको हीट देंगे इसके अंदर किसी भी सोलूशन को उससे जो है डेंसिटी डिफरेंस बनेगा डेंसिटी डिफरेंस कैसे बनेगा ये अगली लाइन में है इन एन एवेपोरेटर यूजिंग ट्यूब ट्यूबिंग आफ्टर द वाटर बिगिनस टू बॉयल बबल विल विलइज एंड का सर्कुलेशन जब भी हम किसी सोल्यूशन को या लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उसका वॉलीम जो है बढ़ जाता है आप देखते हैं कि अगर हम किसी बर्तन के अंदर पानी को बॉयल करते हैं तो ऊपर तक आ जाता है वो उसका वॉलीम बढ़ जाता है और डेंसिटी का फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉलीम यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉलीम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी वॉलीम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी तो इसमें वही लाइन आई हुई है कि डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है कि अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा बॉइलिंग की वजह से जो बबल्स बनेंगे तो इसकी वजह से जो है डेंसिटी कम हो जाएगी डिफरेंस आ जाएगा डेंसिटी के अंदर इसी की वजह से जो जब यह बॉयल होगा हीट देंगे इसको जो बबल्स बनेंगे उसकी वजह से सर्कुलेशन होगी बबल्स विल राइज एंड का सर्कुलेशन फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड द वेपर एट द टॉप ऑफ द हीटिंग ट्यूब वेपर्स ऊपर से रिलीज़ हो जाएंगे द अमाउंट ऑफ एवापोरेशन डेट टेक प्लेस डिपेंड ऑन द टम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द स्टीम एंड दोल्यूशन प्रॉब्लम कैन अरइज़ इफ़ ट्यूब आर नॉट वेली मर्स्ट इन दोल्यूशन इसमें परेशानी हमें क्या हो सकती है कि अगर जो है जो ये ट्यूब आपको नजर आ रही हैं डाइग्राम में मुकम्मल तौर पर जो है उसमें डिप ना हो सोल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूशन थोड़ा होगा टम्परेचर ज़्यादा होगा तो जहरी बात है इफ़ दिस अकर दस दिस सिस्टम विल बी ड्राइड आउट एंड सर्कुलेशन कम्प्रोमाइज्ड तो जो है ये ट्यूब्स ये ड्राई हो जाएंगी और जो है सर्कुलेशन नहीं हो सकेगी सही तरीके से इसीलिए हम इसके अंदर जो है फो सर्कुलेशन कैन भी यूज इंसर्टिंग अप अप टू इंक्रीज़ प्रेशर इन सर्कुलेशन इसमें सर्कुलेशन करवाने के लिए कि जो हम सोल्यूशन को हीट दे रहे हैं वो जल्दी रेपिडली वापोरेट हो उसके लिए हमने मोटर लगाई हुई है कि इसके दोनों जगहों पर जो आपको ये नज़र आ रही हैं ट्यूब्स ही इन दोनों के अंदर जो है वो मूव करे उसके लिए हमने मोटर लगाई हुई है तो यह था एक का चैप्टर उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा कोई सवाल हो मुझसे कर सकते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं तो अगली वीडियो में मिलेंगे अल्लाह हाफिज़